न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति को लेकर जितने भी क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगा A to Z। और आप देख लेना, आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा ही बनेगा। उसके पहले बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और एक भी क्लास मिस ना हो। और इसका सारा का सारा जो PDF है ना, आप सभी को हमारे टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। सक्सेस की 98 के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो PDF का लिंक डाल दूंगा। तो देखते हैं आप हम सभी कि जो नया शिक्षा नीति आया है 2020 का, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या हमें जानना चाहिए इसके बारे में। और पहला प्रश्न हमारे सामने, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा जो है वो किस वर्ष में की गई थी। तो या अगर एग्जाम में आप सभी से पूछता है तो आप सभी क्या बोलिएगा, 1968 में। और यह बिल जो है पास किया गया था जब इंदिरा गांधी का सरकार था, तब फर्स्ट टाइम जब पहला बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1968 में आया था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका इंदिरा गांधी। उसके बाद 1986 में, कब दूसरी बार, 1986 में लागू किया गया था, जब देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके राजीव गांधी। और तीसरी बार 2020 में जो है वो लेकर आया गया है, जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितनी बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई गई है अभी तक, तो तीन बार, पहला बार 1968, दूसरा बार 1986 और तीसरा बार 1920। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है वो किस वर्ष में की गई थी, तो 1988 में, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो नामक कार्यक्रम जो है वो कब लागू किया गया था, कब इंप्लीमेंट किया गया था भारत में। और यह जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसका मेन टारगेट था ना कि लोगों को जो है शिक्षा अच्छे तरीके से घर घर पहुंचाई जा सके, इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो जारी किया गया था। आप देखते हैं ना ब्लैक बोर्ड वगैरह, और यह जारी किया गया था आपका 1987 और 88 में, ऑप्शन नंबर आपका सी। हमारे सामने, कितने वर्ष के बाद भारत में नई शिक्षा नीति जो है वो लाई गई है, कितने वर्ष के बाद। तो मैंने आपको बताया इसके पहले कब लाया गया था, 1986 में, तो अभी कब लाया गया है, 2020 में। गिन लो, 14 साल उधर और 20 साल अभी, यानी 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति जो है वो लाया गया है भारत में। और टोटल कितने बार, तो टोटल तीन बार, पहली बार 1968, दूसरी बार 86, तीसरी बार 2020 में। और क्लास को ना शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास बनाने में काफी मेहनत लगता है, सही बोल रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो यह नई शिक्षा नीति लाई गई है यह कब तक लागू की जाएगी। अभी तो यह पारित किया गया है, लेकिन लागू कब तक कर दिया जाएगा पूरे तरह से, पूर्ण रूप से, तो 2021 और 22 तक का टारगेट रखा गया है, यह लागू कर दिया जाएगा अपने भारत में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें से कौन सी भाषा को क्लास 5 तक खत्म कर दी गई है, यानी क्लास 5 तक के लिए एक भाषा को जो है वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, यानी क्लास 5 तक अब जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश जो है वो पढ़ाया जाएगा, यह चीज जो है वह हटा दिया गया है। और जो मेन टारगेट रखा गया है कि मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, यानी क्लास 5 तक के बच्चों को अब इंग्लिश जो है वो पढ़ाया नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है उसको खत्म कर दिया गया है। बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रह रहा है ये विषय आपका। अगला प्रश्न हमारे सामने, अभी तक हम लोग क्या सुनते आ रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसका नाम क्या है आपका, HRD मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन इसका नाम जो है वो अब बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका ए। और अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल, ये भी याद रखना है आप सभी को। प्रश्न हमारे सामने, भारत की नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को हटाकर अब किस फॉर्मेट में किया जाएगा।
अभी तक आपने सुना होगा क्लास 10 पास करने के बाद क्या सुनते थे, 10+2, 10+2, 10+2। लेकिन अब ये चीज जो है वो हटा दिया गया है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। अब कौन सा लागू किया गया है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा ये वाला, याद रखना। अब जो 10+2 के जगह पर फॉर्मेट लागू किया गया है वो है आपका 5+3+4, ऑप्शन नंबर आपका डी, इसको गांठ मान लेना। 5 का मतलब उम्र 3 से 8 साल के बच्चे पास तक, 3 मतलब 8 से 11 साल के बच्चे, फिर 3 11 से 14, और आखिरी 4 यानी 14 से 18 साल। ठीक है, यह याद रखिएगा, आप सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो नई शिक्षा नीति जो है उसके अनुसार किस क्लास से कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा जो है वो दी जाएगी स्कूल में, यानी अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह जो है उनकी जानकारी बच्चों को क्लास 6 से कक्षा 6 से जो है वो दी जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, 9 से 12 तक की परीक्षा अब किस आधार पर कराई जाएगी, यह आपको बताना है। अभी तक तो नॉर्मल हो रहा था 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास, अब जो है 9 से 12 क्लास तक की जो परीक्षा है ना, अब उसको सेमेस्टर सिस्टम में जो है वो लेकर आया गया है। जैसे आप बीटेक करते होंगे, बीबीए करते होंगे, एमबीए करते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेमेस्टर होता है ना, सेमेस्टर एग्जाम 6-6 महीने पर। अब जो है अब 9 से 12 तक की शिक्षा को भी ना सेमेस्टर के नियम में जो है वो लेकर आया गया है। अब आपका एनुअली एग्जाम नहीं होगा, सेमेस्टर के हिसाब से एग्जाम होगा। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1 से ज्यादा कोर्स करने वालों का अंक अब किस में जुड़े जाएंगे। अब यह भी बता दिया गया है कि अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो यह पाबंदी हटा दी गई है कि आप आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं और आपका रुचि अगर आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में है या साइंस के किसी विषय में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। यानी जो बाउंडेशन था, जो बाउंड्री था, उसको तोड़ दिया गया है, यानी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुछ पढ़ते हैं 1 से ज्यादा कोर्स, तो उसका उपाधि, उसका जो है आपको क्रेडिट दिया जाएगा, और उसका अंक कहां जोड़ा जाएगा, तो नाम दिया गया क्रेडिट बैंक, ऑप्शन नंबर आपका बी। प्रश्न हमारे सामने, भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अब कौन सी परीक्षा देनी होगी। अब इंडिया के ना कोई सा भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा आपको। उस एग्जाम का नाम क्या है, CAT, कैट, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो यह एग्जाम कराया जाएगा आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कैट एग्जाम देना पड़ेगा। और यह जो है वो किसके द्वारा आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, यानी NTA। एक क्वेश्चन और याद रखना, यह भी पूछेगा एग्जाम में कि अब कॉलेज के लिए जो एग्जाम देना पड़ेगा बच्चों को, CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, यह एग्जाम कंडक्ट करवाएगा कौन, तो आपका आंसर क्या होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, नई शिक्षा नीति किस बिल के तहत जो है वो जारी किया गया है। तो NHEB के दो, ऑप्शन नंबर ए, फुल फॉर्म नेशनल हायर एजुकेशन बिल, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, गांठ मान लेना। एग्जाम में पूछेगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये दो पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, मैं आपको समझा दे रहा हूं। GER, इसका मतलब क्या है आपका, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। अब एक टारगेट रखा गया है कि जितने भी हायर एजुकेशन तक पढ़ाई है वो 50% तक जो है सबको पढ़ाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है ना कि 50% लोगों को, भारत का आबादी का 50% लोग जो है वो कम से कम हायर एजुकेशन की पढ़ाई कम से कम करेंगे। और ये टारगेट रखा कब तक गया है, 2035 तक। यानी 2035 तक आप यह देख पाओगे कि भारत का 50% जो आबादी है ना
वो हायर एजुकेशन तक पढ़ाई किया ही किया है, ये टारगेट रखा गया है। और दूसरा माध्यमिक तक, यानी 2030 तक टारगेट ये रखा गया है कि भारत का हर एक नागरिक कम से कम माध्यमिक तक पढ़ाई करेगा ही करेगा। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो टारगेट रखा गया माध्यमिक के लिए वो 100% रखा गया है 2030 तक। और एक बात बताऊं मैं आप सभी को, ये जो GER है ना, इसका फुल फॉर्म आप एक बार याद रखिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा अच्छे से आप सभी समझ लीजिएगा। 3 language formula जो है वो दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा 1968 में, जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी भारत में। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस वक्त भारत में 3 language formula जो है वो जारी किया गया था। उसमें 3 language कौन कौन सा था, तो हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा, 3 थे ये। और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये हिट करेगा, जो 3 language formula जारी किया गया वो किस कमीशन के द्वारा जारी किया गया था, तो कोठारी कमीशन 1968 में। अब ये बोला गया है आपका 2020 में नई शिक्षा नीति के अनुसार कि अब ये 3 language formula में ना संस्कृत को जोड़ा जाएगा पूरे भारतवर्ष में, तो बहुत बड़ी खबर है ये वाला भी। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो जुड़े हुए हैं आपसे, किससे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। और इसका संपूर्ण PDF आप सभी जाकर डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, तो हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस की 98, वहां से। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।